हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीस्टाइल आर्टिस्ट। और आज मैंने जो वॉल पेंटिंग डिजाइन करूंगा वो एक 2D वॉल पेंटिंग डिजाइन है, और इस वॉल पेंटिंग एक रेड कलर वॉल के ऊपर होगा, रेड कलर बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर मैं व्हाइट कलर से पूरा जो वॉल पेंटिंग का डिजाइन है वो करूंगा। और किस तरह से कर रहा हूं वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एकदम फास्ट पार्ट में आपको करना क्या है, आपको कलर पेंसिल से आउटलाइन कर लेना है। आउटलाइन करने के बाद आपको एक हाफ इंच ब्रश लेना है। हाफ इंच ब्रश लेके जो आउटलाइन किया था, जो डिज़ाइन किया था, उस डिज़ाइन के ऊपर हाफ इंच ब्रश से आपको आउटलाइन कर लेना है। उसके ऊपर कलर को आपको कवर अप करना है, इसलिए मैंने पहले आउटलाइन कर लिया था। आउटलाइन करने के बाद मैंने कवर अप कर रहा हूँ, और कवर अप करने के लिए मैंने व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। पूरा जो वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन होगा वो व्हाइट कलर से होगा, और एक्रेलिक कलर का व्हाइट कलर में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेलिक कलर से वॉल पेंटिंग बहुत अच्छा होता है। तो गाइस, व्हाइट कलर से जो मैंने पेयर कर रहा हूँ, पेयर करने के लिए मैंने तीनों ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, हाफ इंच फ्लैट ब्रश, 1 इंच फ्लैट ब्रश और 2 इंच फ्लैट ब्रश। तो ये तीनों ब्रश यूज़ करके मैंने ये जो ट्री का व्हाइट का जो मेन पार्ट है व्हाइट कलर से वो मैंने कर रहा हूँ। कभी मैंने हाफ इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, कभी 1 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, कभी 2 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जिस जगह में जो ब्रश यूज़ करने से अच्छा होगा वही मैंने उस जगह में वही ब्रश मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, वो हो जाने के बाद ये जो मैंने डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस डिज़ाइन का जो पेड़ का जो पत्ता है ना, जो लीप्स होता है, वो मैंने कर रहा हूँ। मैंने 1 इंच फ्लैट ब्रश से यूज़ कर रहा हूँ, और 1 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ करके मैंने ये जो पार्ट है ये पार्ट कर रहा हूँ। ये पार्ट करने के लिए मैंने 1 इंच फ्लैट ब्रश इस तरह से व्हाइट कलर लेके एक एंगल में ये कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने एक ही बार से एक लीप्स हो जाएगा, एक ही बार से एक पत्ता हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से 1 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ करके ये जो लिप्स है ये कर रहा हूँ। और एक एक करके मैंने ये जो सारे पत्ता है ना, जो वॉल का जो ट्री है ना, ये मैंने कवर अप करूँगा। तो आप गाइस वीडियो को देखते रहो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। और मैंने एक्रेलिक कलर का ही व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो पूरा वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन है ना, ये मैंने व्हाइट कलर से कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्रेलिक कलर होता है ना, उसका जो टाइमिंग होता है ना सूखने का, वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसलिए अच्छा होता है। एक कलर से एक कलर मिक्स करने में बहुत ही अच्छा होता है, जल्दी भी हो जाता है, इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ करता हूँ। तो गाइस, लगभग देखो मैंने जो ट्री का जो मेन पार्ट है ना, वो मैंने व्हाइट कर लिया था। और व्हाइट करने के बाद मैंने पहले एक कोट व्हाइट दिया था, लेकिन एक कोट में हुआ नहीं, क्योंकि ये डीप रेड कलर है, इसके ऊपर मैंने एक कोट व्हाइट कलर मारूंगा तो नहीं होगा, इसलिए मैंने एक कोट व्हाइट कलर करने के बाद फिर से और एक बार व्हाइट कलर किया हूँ जो पेड़ का मेन पार्ट है। इस तरह 2 कोट मारने के बाद पेड़ का जो मेन पार्ट है वो हो गया। उसके बाद जो ट्री है ना, ट्री का जो पत्ता कर रहा हूँ वो मैंने एक कोट से कर रहा हूँ, और जो व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ वो एक वो रॉ व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। उसमें पानी भी, थोड़ा सा भी पानी मैंने नहीं यूज़ किया हूँ। और ये जो पेड़ का जो ऊपर का पार्ट का जो पत्ता है ना, वो पत्ता करने के लिए मैंने 2 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे का जो पत्ता है ना वो छोटा पत्ता है, इसलिए 1 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा था। और जो ऊपर का जो पत्ता है वो करने के लिए मैंने 2 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और 2 इंच फ्लैट ब्रश यूज़ करने से जो पत्ता है ना, वो करने से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 इंच फ्लैट ब्रश से जो पत्ता कर रहा हूँ ये करने के जो टाइमिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत कम लगता है, क्योंकि जो 1 इंच फ्लैट ब्रश से कर रहा हूँ ना जो पत्ता, वो एक थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग लगता है, लेकिन जब 2 इंच फ्लैट ब्रश से करूँगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर का जो पत्ता है ना वो 2 इंच फ्लैट ब्रश से कर रहा हूँ, और वो थोड़ा बड़ा पत्ता दिख रहा है। तो गाइस, लगभग देखो वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऊपर का जो पत्ता है ना वो करूँगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत 1 या 2 3 4 मैंने बाट जो वॉल पेंटिंग का बीच का सेक्शन गैप है, उस गैप में 3 या 4 मैंने बाट करूँगा, वो भी मैंने व्हाइट कलर से करूँगा। और वो करने के लिए मैंने हाफ इंच फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने हर एक वीडियो में किस तरह से मैंने बाट करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ, तो गाइस उस तरह से मैंने बाट को करूँगा। और अभी मैंने वो जो ऊपर का पत्ता है वो कर लिया है। तो गाइस, लगभग वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, मैंने बोला था बीच में 3 या 4 मैंने बाट करूँगा, मैंने 5 बाट किया हूँ, जो बीच का पोर्शन था मैंने कर लिया। तो गाइस, वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन को देखो और कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में बताओ। और गाइस, इस तरह का वॉल पेंटिंग डिज़ाइन, 3D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन, 2D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन करने के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए।
और गाइस वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन और वॉल पेंटिंग का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ऑल करके रखिए। ऑल करके रखने से मेरा कोई वीडियो आप लोगों को मिस नहीं होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, इसलिए बेल बटन को ऑल करके रखिए। ऑल करके रखने से मेरा कोई वीडियो आप लोगों को मिस नहीं होगा। और गाइस इस तरह का 2D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन, 3D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन, 3D स्प्रे वॉल पेंटिंग डिज़ाइन, 3D वॉल पेपर टाइप वॉल पेंटिंग डिज़ाइन मैं देते रहूँगा। तो गाइस कीप सपोर्ट मी, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, चलता हूँ।